तेरी मंग मंग पुष्कनिया पे बलिहार प्यारे जू। बागेश्वर धाम, ये नाम आजकल इंटरनेट पर तेजी से चर्चे में है। जी हाँ, ऐसा कोई नहीं है जो इनका दीवाना ना हो। किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर उसका पूरा बायोडाटा बता देना कोई आसान बात नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार न सिर्फ उसका बायोडाटा बताते हैं, बल्कि उसे क्या परेशानी है और उसका क्या उपाय है ये सब भी बताते हैं। सरकार बागेश्वर धाम की प्यारी सी मुस्कान और मीठी मीठी बातों का आज हर कोई दीवाना है। तो चलिए जान लेते हैं बागेश्वर धाम के पूजनीय संत जो कि आज इतने फेमस हैं, उनकी जिंदगी की असली कहानी क्या है और उनका असली नाम क्या है। तो इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी बहुत सारी दिलचस्प बातें तो बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे जिसका हर कोई दीवाना है आखिर वो किसके दीवाने हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंशु तोमर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्हें सोशल मीडिया पर हर कोई बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानता है, दरअसल उनका असली नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर के छोटे से गाँव कड़ा में हुआ। इनकी उम्र 26 साल है। इनकी फैमिली में इनके अलावा इनके माता पिता, छोटे भाई और एक छोटी बहन है। इनके पिता का नाम राम करपाल गर्ग, वहीं मां का नाम सरोज गर्ग है। घर के बड़े बेटे होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां बचपन से ही धीरेन्द्र के ही कंधों पर रहीं। धीरेन्द्र बताते हैं उनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि कभी कभी उन्हें दो वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। घर में इतनी परेशानियां होने के कारण इन्हें पढ़ने लिखने में भी बहुत ज्यादा परेशानी हुई। बड़ी मुश्किल हालातों में इन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई अपने गाँव से पूरी की और इसके बाद की पढ़ाई के लिए इन्हें 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज के स्कूल में जाना पड़ता था और फिर वहां से इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन BSc कम्प्लीट की। महाराज जी ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। परेशानियां तो हर घर में होती हैं, लेकिन इन्हें दो वक्त की रोटी ही मिल जाए ये भी बहुत बड़ी बात थी। इनके पिताजी लोगों के घर में जा जा के भिक्षा मांगते थे और अपने घर का गुजारा करते थे। धीरेन्द्र की जैसे ही स्कूली पढ़ाई पूरी हुई, उन्होंने अपने पिता से कहा वो वृंदावन जाके कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इनके दादाजी भी बागेश्वर धाम के सिद्ध संत थे। धीरेन्द्र जैसे ही होश संवाला, वो अपने दादाजी को अपना गुरु मानने लगे और उनके साथ दरबार में बैठने लगे, जिससे इन्हें भक्त भाव में और ज्यादा रुचि बढ़ती गई और कहीं न कहीं उन्हें लोगों की मन की बात जानने का एहसास होने लगा। चलिए फिर बात करते हैं वहीं से। जब शास्त्री जी ने अपने पिता से वृंदावन जाने की बात कही, उस समय उनके पिता के पास 1000 रुपए भी नहीं थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि अगर मेरा बेटा पढ़ लिया तो कामयाब जरूर होगा। धीरेन्द्र के पिता ने गाँव में जाकर बहुत लोगों से रुपए उधार मांगे, लेकिन किसी ने नहीं दिए, क्योंकि वो जानते थे कि जो खुद मांग मांग कर घर का गुजारा करते हैं वो हमारे पैसे कहाँ से चुकाएंगे, और इन्हीं कारण बस ये वृंदावन नहीं जा पाए। लेकिन बागेश्वर धाम की इन पर ऐसी कृपा हुई कि लोगों की मन की बात जानने और समझने लगे। छतरपुर के छोटे से गांव कड़ा में बागेश्वर धाम है, जहां बालाजी हनुमान मंदिर है, जहां ये मंगलवार को दरबार लगाते हैं। बताया जाता है इंसान के पास चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, सबका समाधान बागेश्वर धाम सरकार के पास होता है, क्योंकि आज तक वहां जितने भी लोग गए हैं सबकी मनोकामना पूरी हुई है और यही वजह है जो कि बागेश्वर धाम की आज इतनी मान्यता है। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी ने आज जो पहचान बनाई है वो अपनी सच्चाई और ईमानदारी से। आज लोग उन्हें देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जानते हैं। एक छोटे से गांव के लड़के ने अपने गांव का नाम रोशन करते हुए आज सभी के दिलों में अच्छी जगह बनाई है। बागेश्वर धाम वाले महाराज जी अपने दरबार में किसी से भी 1 रुपया नहीं लेते। जब लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वो खुद खुश होकर इतना देते हैं कि उन्हें मांगने की जरूरत नहीं। आप इनसे जुड़ने के लिए इन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। इनकी इंस्टाग्राम ID बागेश्वर धाम के नेम से है। वहीं इनका बागेश्वर धाम के नेम से एक यूट्यूब चैनल है जिस पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। आजकल हर कोई यही जानना चाहता है, बागेश्वर धाम सरकार जिन पर लाखों लड़कियां मरती हैं, उनकी जिंदगी में कोई है या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धीरेन्द्र कृष्णा जी की अभी शादी नहीं हुई है और न ही उनकी कोई गर्लफ्रेंड है। लोग उनकी बातों से ही उनकी तरफ इतने ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि उनके दीवाने बन ही जाते हैं। कहने को बागेश्वर धाम वाले महाराज जी की उम्र भले ही छोटी है, लेकिन तजुर्बा जज्बा बहुत बड़ा है। बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्णा जी ने बहुत ही कम उम्र में बुलंदी हासिल की है। सो ये थी बागेश्वर धाम वाले सिद्ध संत धीरेन्द्र कृष्णा जी की जिंदगी की अनसुनी कहानी। वीडियो में हमने बागेश्वर धाम से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी बताने की कोशिश की है। आप बागेश्वर धाम सरकार के दीवाने हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर देर किस बात की, कर दीजिए लाइक शेयर और कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।